बहुत बड़े यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नाम है, सदर पंजाब सीनियर्स डॉक्टर एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, और उनके साथ एक ग्रेट प्रेसिडेंट हैं जिनके बहुत सारे फादर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में हैं, हिम्मत के बहुत बड़े चमकते दमकते सितारे हैं, प्रोफेसर हकीम आमिर साहब वाया साहब, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे ऑफिस के माशाल्लाह ऑनर हैं जिन्होंने अपने भाई के लिए ये सारे सवाल की महफिल को सजाया रजाया, उनको भी हम वेलकम स्टेज करते हैं। तो तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ स्टेज पर, वो तशरीफ लाए जनाब रख कर। तो नारों में दोबारा ऊंची आवाज में कहिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे तकबीर। तो प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अर्तबा से इतमास करेंगे तो रूहानियत के लिहाज से कुछ स्पीच भी करेंगे, और साथ में अब हमारी इस नेटवर्क का इख्तिताम दुआ के साथ करेंगे। तो मैं नारों में उनको मैक घुमाने जा रहा हूँ, तो आपने लौटनी आवाज में जवाब देना है, नारायण तकबीर, आवाज नहीं आ रही, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, सबसे पहले तो मैं अजहर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने यहाँ बुलाया, क्योंकि भाई नजर उम्मा साहब की उसके सारे सवाब के लिए एक महफिल मुनक़द दी गई है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करें, आखिर की सारी मंजिलें उनके आसान करें, उनकी कब्र पर मुनसर करें, सब जो कह रहे हैं कि अच्छे अखबार को अल्लाह पाक सब बता सुना। मैं यहाँ पर खिताब करने नहीं आया, ना मैं मुकर हूँ, बस एक छोटी सी एक छोटे मौका है, तो छोटी सी मुझसे से बात करनी है कि हम जो भी इंसान दुनिया में आए हैं अल्टीमेटली उसे यहाँ से जाना है, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। कोई आदमी अगर 1000 साल भी जी ले फिर भी उससे आखिर बात है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, कितनी भी लंबी हो जाए, 65 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 75 हो गया, 80 हो गया, अल्टीमेटली उससे मरना है, दुनिया से जाना है। कहते हैं कि बहुत है ना मौत, आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पे, 10 को हम 10 से ज़रब दें तो जवाब क्या आएगा, 100, 10 को 0 से ज़रब दें तो जवाब क्या है, 0, 1 करोड़ को 0 से ज़रब दें तो जवाब क्या है, 0, तो मौत जो है ना मौत ये बहुत बड़ा 0 है। तो जब इंसान दुनिया से जाएगा तो जो कुछ उसके पास है, बड़े 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 गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, वो सारे 0 हो जाएंगे, और ये क्या है, एक लाश है, और सारे दर्द ये भी दफनाने की कोशिश करते हैं। आज ये डॉक्टर साहब थे, अब लोग पूछ रहे हैं कौन है, ये मैयत कब उठेगी, जनाजा कब उठेगा, कोई नहीं कहेगा डॉक्टर साहब को कब कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। मुझे अभी वो मंजर याद है, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे दोस्त प्रोफेसर मुस्तफा कुमार पाशा वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई, उनको भी दर्जा बुलंद फरमाए,
जनाजे में मैं शरीक था, कसर में शरीक था। कब्र खोदी गई, बहुत बड़ा घड़ा खोदा गया। खोदने के बाद उसके उनको ताला पकड़ के साथियों ने इस जमीन के ऊपर ही डाल दिया। थोड़ा सा चेहरे को काबे की तरफ किया और मैं उनको चेहरे को देख रहा था। कल ही हमारा दोस्त था, हमारे साथ इकट्ठे बैठता, और लेकिन आज ये है कि जब आखिर के सफर पर रवाना है। इसके बाद फिर जब डाल दिए फिर क्या हुआ, फिर वो डांट लगानी शुरू की, कब्र पे डांट लगा रहे, कब्र ऐसा ऐसा बंद होती जा रही। और मैं सोच रहा था एयर कंडीशनर में रहने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाला, अरबों के आम गरीब आदमी था, वो अरब अरबों पति थे, दुनिया में जो हरा देगा बड़ा पैसा हो सकता है। थोड़ी देर में ऐसा ऐसा उसकी कब्र जो है गहरा रोशनी थी, तेरा अंधेरा होना शुरू हुआ। और फिर जब आखिरी ईंट लगी, अब मैं सोच रहा था खड़े होके कि अब कब्र में कितना अंधेरा होगा, और दुनिया में एसी में रहने वाले मेरे एक दोस्त के एक बेटे की डेथ हुई। जब उसके जनाजा लेके जनाजे के साथ साथ वो रोता हुआ जा रहा था कि मेरे बेटे तो आज तक एसी के बगैर सोए, तो आज कब्र में क्या होगा, इसका कैसे सोएगा, तो नजर नजर गद्दों पर सोने वाला था, इसका क्या बनेगा। लेकिन सब कुछ छोड़ कर जाके किसी ने कब्र के अंदर कलर गंदे नहीं बिछाया, किसी ने कुछ तलवारी नहीं लगाई, तलाकों में रहने वाला था, जमीन के ऊपर डाल दिया, डाल करके बंद करके आ गए। और घर आते जब तक सुना के आते, घर में सबसे पहला काम क्या होता है, दस्तरखान लगता है, खाना आया था, कौरमा आया था, नान आया था, खाना खा लेते, खाना खा लो। यह मोहम्मद बस का शेर है ना, धिया पुत्र ते बहन भरा सब हाथ पैदाम तो करते, पैर पेशाब पिया बिच में उकड़ते उकड़ते उकड़ते। बहुत जो है ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी हकीकत है। अभी आप सारा जवान तबका बैठा है, जवान है, जवानी है, तवानाइयाँ हैं, और मस्ती है, और ताकत का नशा है। मैं आपको देख के याद आ रहा था कि मुझे अभी तक कोई याद है कि मैं पहले दिन स्कूल गया था, मास्टर साहब कारी साहब थे, उन्होंने मुझे अरी सिखाई थी। फिर हमने स्कूल जाना शुरू किया, राज स्कूल में बैठों के नीचे बैठे पड़े, बैठे किया, फिर एफ एस सी की डॉक्टर बने। इतना लंबा सफ़र करने के बाद आज रिटायर भी हो गए। कल की बात करती है, कल की बात है, स्कूल जाते आप भी समझो बड़ा जब सीनियर हो गए, अपने मैदे कह लेंगे कल की बात है स्कूल जाते थे और आज स्कूल ख़त्म हो गए और एक और दौर में दाखिल हो गए। ऐसा ऐसा दूर दूर पर दूसरी तैयारी है, हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। हर एक सेकंड में एक आदमी दुनिया में से जा रहा है, एक लाइन है, लाइन में सब लगे हुए हैं, सबसे आगे लाइन वाला गया, एक सेकंड बाद दूसरा गया, तीसरा लाइन छोटी होती जा रही है, और हम भी कहीं किसी लाइन में लगे हुए हैं, हमें नहीं पता किस जगह पर। कल की बात अचानक यार सोच हो गया, हाँ कल का तो ठीक था, कल मेरी शुरुआत हुई है। मेरे दोस्तों बहुत एक दिक्कत है, और हमने सबने बहुत का मजा चखना है। दुनिया एक मुसाफर खाना, हर कोई आवे जा रहे, किसी भी यार मोहम्मद बख्श पक्के डेरे लावे, तो पक्के डेरे किसी ने नहीं लगाने। अब मरना भी है, लेकिन असल ये नहीं है कि मरना जो है मरना नहीं है, ये तो मुंतकिल होना है एक और जिंदगी में। हम सारे आदमी रवा से दुनिया के माँ के पेट में आए, वहाँ चले उस जिंदगी से दुनिया के पेट में आए, यहाँ से कब्र के पेट में जाना है, कब्र के पेट के बाद एक आखिर का मैदान है, उसके बाद फैसला है। तो हमने सब ने वहाँ से मुंतकिल होते जा रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ऐसे मुंतकिल हों कि आखिर भाई बन जाए, अल्लाह हमसे राजी है। अगर अल्लाह हमसे राजी है तो भले दुनिया को कोई चीज़ हम हमारे पास नहीं है, हम बादशाह हैं। अल्लाह अगर राजी नहीं है, दुनिया की हर चीज़ हमारे पास, हमारे पहले कुछ नहीं, मौत पे सब तरह का दरार आ जाएगा, दुनिया की सारी चीज़ें छूट जाएंगी। एक हमारे फौजी दोस्त हैं कर्नल साहब,
उनकी डेथ हुई, शाम को डेथ हुई, तय हुआ कि अगले दिन सुबह इनका जनाजा होगा। रात को आए प्रोफेसर और आदमी के पास कि जनाजा सुबह है तो जब रिश्तेदारों ने आना है, इसकी डेथ बॉडी ना आप शर्द खाने में रख लें ताकि सुबह हम ले लेंगे। उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है, इसके ऊपर चादर डाले, पंखा चला रहे, सुबह तक डेथ बॉडी को कुछ नहीं होगा। नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज रख ले, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर वो कहने लगे हैं कहा कि अच्छा मसला ये है, इसे घर में से बीवी और बच्चे हैं अकेले, उन्हें से लग रहा है डर। उन्होंने हमसे कहा कि इसको कहीं शिफ्ट करो या हमें कहीं शिफ्ट करो, हम इसके साथ रात नहीं गुजार सकते। ये तो दुनिया के भक्त हैं जिनके लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं, अपने ही बन के हैं, तरक्की करनी है, मान बनाना है, गाड़ियाँ सारा करें, हम गाड़ी भी बनाए, बड़े बड़े घर बनाए, इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह को भी राजी करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम क्या है, इस्लाम सिर्फ तीन चीज़ों का नाम है, अल्लाह की इबादत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी करो। अल्लाह की इबादत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी करने का नाम इस्लाम है, और कुछ भी नहीं है। बात है मखलूक की खिदमत से आदमी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बड़े बड़े तजुर्बा भी नहीं पहुँच सकते। बनी इसराइल की औरत थी फाइशा औरत, उसको प्यासा कुत्ता था, देखा यहाँ से जबान बाहर निकली है, उसने कुएं से पानी निकाला, मौजा डाल के उसको पिलाया, अल्लाह पाक ने उसकी मफरत कर दी। अब जब प्यासे इंसान को पानी पिलाएगा उसको क्या मिलेगा, प्यासे मुसलमान को पिलाएगा उसको क्या मिलेगा। तो इंसानियत की खिदमत करना मेरे दोस्तों, अल्लाह तो बड़ा महबूब है, भले काफिर क्यों ना हो, सब अल्लाह की मखलूक है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएँ अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और मखलूक भी हमसे राज़ी हो, ये ज़िंदगी का मकसद है। और मरते वक्त आदमी को ये बात याद आनी चाहिए, कल मैंने भी यहाँ पर होना है, आज मैं किसी के जनाजे का कह रहा हूँ, कल मेरा भी जनाजा उठेगा। सुबह सुबह उठते हैं ऐलान होता है बसर से अक्सर फ़लाँ चौधरी साहब का इंतकाल हो गया, जोर के बाद जनाजा है, एक दिन हमारा किसी का ऐलान होना है। आज किसी को कल हमें भी कोई आज किसी को गुस्सा देना, कल मैं भी गुस्सा दे रहा हूँ, इधर से उधर पल रहा होगा, बड़े होंगे पानी ऊपर डाल रहा होगा, और उसके बाद कफन पहनाया जाएगा, उसके बाद चलो ये चलो करना शादी पर चली जाया जाएगा, फिर कफन के अंदर आ जाएंगे, फिर किसने आगे पूछना कौन आएगा, हमें अपने पता पता दो कि कमरे की तरह कभी गहने कोई उनके ऊपर कोई भी नहीं पूछेगा, पूरी बसरी दास्तान बन जाएगी इन सारे। हाँ अगर ऐसी जिंदगी गुजार के गए कहता राजी हुआ, हमारे नबी राजी हुए, मेरे दोस्त ने हमेशा हमेशा के रहते हैं, हमेशा हमेशा की जन्नत है। यहाँ थोड़ी देर हम बैठते हैं, यहाँ पसीना आया हुआ है सबको, पंखे चल रहे हैं, पंखे बंद हो गए, यहाँ बैठना मुश्किल है, यहाँ गर्मी है, हमने इसका बंदोबस्त किया है, यहाँ प्यास है, पानी भूख प्यास है, हमने इसका बंदोबस्त किया है, ना भूख है तो उसके बाद अभी पानी का बंदोबस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों कब्र के अंदर भी भूख आने वाली है, वहाँ भी प्यास आने वाली है, वहाँ की भी गर्मी है, उसके बंदोबस्त यहाँ से करके जाना है। कब्र की प्यास दुनिया के पानी से नहीं बुझेगी, कब्र की भूख दुनिया के चलते पौधों से खत्म ही होगी, वहाँ की तो प्रेस ही बदल गई। आज मौका है, आज आप दुआनियाँ हैं, हम अल्लाह को राजी कर लें और तौबा कर लें, कैसी जिंदगी में गुजरी है अल्लाह तौबा, आज के बाद जिंदगी अल्लाह तेरे भूखों में चलेंगे, नबी के तरीकों में चल के जिंदगी गुजारेंगे। हम औरों की मरामत की परवाह नहीं करेंगे लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह देखेंगे तू क्या चाहता है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। मुझे इससे कोई शक नहीं है, हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम कैसे भी हैं भले हमारे सब सुस्ती होती है, हम बात करना पर रह जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई कमी नहीं हमारे अंदर में दोस्त। तो नाम तो लेके देखिए आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, भले कैसे भी है, इल्मुद्दीन शेखाजी शहीद तो बहुत बड़ा मुसलमान, पक्का मुसलमान ही था, बहुत बड़ा मुफ्ती था या बड़ा पंजाबी था, सादा सा मुसलमान लोहारों का बेटा, किसी ने कहा कि फलाने से हुजूर की शान मुसागी करता है, उसने कहा अच्छा, वो उसने प्लान किया, उसको मारा, और फिर जब मारा उसके बाद मुकदमा चला, कैद आजम थे मुकदमे के वकील, तो क्या एक ये बात कह दे कि मैंने इसे कत्ल नहीं किया तो इसको बचा लेंगे,
और उसने जब इसराइल ने पूछा तुमने कत्ल किया, उसने कहा हाँ मैंने इसको कत्ल किया है। ये थी मोहब्बत। और आखिरी रात में जब उसको फांसी होनी थी और सारी रात वो बैठा रहा और वुज़ू करके वो दुआएं मांगता रहा, नफल पढ़ता रहा, और फिर जब वो सुना ऐसे कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँग आई तो ज़्यादा हुई, रासन ने सुनवाया कि हम तेरा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, जो भी जैसा मुसलमान है ना उसके दिल में नबी की मोहब्बत है मेरे दोस्त। ये नहीं है कि नबी की मोहब्बत नहीं है, बस थोड़ी सी एक 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 ज़मीन ज़रफेज़ हो और बीज भी आला क्वालिटी का हो, उसमें डाल दें। अब थोड़े से उसको पानी की ज़रूरत है, थोड़े से मदर की ज़रूरत है, उस बीज को बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। तो कलमे का बीज बड़ा आला है, इसकी ज़मीन बड़ी ज़रफेज़ है, तो बीज भी पड़ा है, तो थोड़े से बदर की ज़रूरत है। अब बदर आएगा तो मेरे दोस्त हमारी ज़िंदगी के अल्लाह के हुक्मों पे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक आदमी है रात के वक्त खड़ा है तहज्जुद के नमाज़ पढ़ रहा है, रो रहा है, आपका ख्याल है वो बेवकूफ़ है? तहज्जुद में तो ऐलान होता है ना, आम नमाज में तो मुनादी ऐलान करते हैं ना, अजान देता है, तहज्जुद पे तो अल्लाह पाक का ऐलान होता है कि मांगने वाला। अब जो खड़ा है और रो रहा है और उसको कितना मज़ा आ रहा है, ये तो वो जानता है। मेरे बुजुर्गो भाई दोस्तों, थोड़ी सी बदर की जरूरत है। बदर क्या है? अल्लाह के नेक लोगों की सोहबत में बैठना, उनके पास जाना, तो वहाँ से सोहबत से फैल मिलता है। एक बहुत बड़ा शायर जिगर मुरादाबादी, इस पर वाक्य की बात खत्म करता हूँ, बात लंबी हो गई। अब वो बहुत बड़ा शहर शराब का शौकीन और शहरी की बड़ी सियारा, इस महफिल में जाना तरन्नुम से पढ़ता था मैं। अब वो एक मुशायरा हुआ अजमेर शरीफ में, आर इंडिया मुशायरा, जिसके अंदर नातिया मुशायरा हजूर की शान है। असम्बली कहा कि जिगर का भी बुलाओ, उनके जिगर तो शराबी है, उसको कैसे बुलाएं? मुंतजीम थे आपस में, उनकी तकसीम हो गए, आखिर तय हुआ उसको बुलाया जाएगा। अब बुलाया उसको, ये आपको बुलाया है और आपने नात पढ़नी है। वो कहता मैं हजूर की शान कैसे बयान करूँ, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, मैं तो शराबी हूँ, नहीं जी मेरे से नात नहीं पढ़ी जाएगी, नात लिखी नहीं गई, तो मिजाज ही नहीं है। अब फिर जब तय हो गया, चलो मान गया बड़ी मेहनत से, अब नात लिखने बैठे, शराब नहीं पी, नहीं मैं शराब पी के अपने नबी की नात नहीं लिखी। अब नात लिखने बैठे तो गजब हो जाती, नात की आदत ही नहीं थी, कई दिन लगे नात नहीं हो सकी, आखिर रोने लगे। फिर एक शेर हो गया, एक शेर निकला, फिर तब जैसे आमद हुई पूरी नाक लिखी हुई। अब वहाँ पोस्टर लगे हुए, उसमें जिगर का नाम भी है, तो लोगों ने हंगामा कर दिया कि इसको मामले मुशायरे में आने नहीं देना इस गुनाहगार शख्स को। और अल्टीमेटली ये पहुंच गया है, जब जिगर का नाम लाया गया तो जैसे उनको बुलाया गया कहा, लोगों ने होटिंग शुरू कर दी, खड़े हो गए, हम नहीं इसे सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। ये कहने लगे मेरी बात न सुनो, ये देखो मैं क्या सुना रहा हूँ, जिसकी जिसकी हम तरीफ बयान कर रहे हैं उसके बाद से तुम बैठ जाओ। तो लोग बैठ गए, अजीगर बैठे और लोग सुन रहे हैं कि शायद ये जो शराबी है इसका क्या कहना है। और उधर जिगर आए और किसी शेर से जब पहला नृत्य मिश्र निकला, कहा मैं रिंग और कहा मिलते सरकार मदीना, पहले शेर निकले साथ रोने लगे सारे साथ सारा मैदान। अब ये एक शायर है लेकिन दिल में उसकी नबी की मोहब्बत है और खुद भी रो रहा है, सारे बच्चों को भी रो रहा है, ऐसी आला नाम उसे लिखी। अब फिर एक मौका हुआ, लंबी बात है, मौलाना अशरफ खान रहमतुल्लाह की खिदमत में पेश हो गया, उनके महफिल में बैठा, जिक्र की महफिल थी, उसके बाद इच्छा है हजरत के गले से लगा और साथ उसकी जिंदगी बदल गई। उसी महफिल की पहली महफिल तौबा करके उठा, बीमार हो गया, लोग कहने की बीमार हो गया ऐसा था, छोड़ो लोगों ने फतह देनी शुरू कर दिए। उसने कहा नहीं, मैंने बड़ी गुनाहगारी कर ली, अब नहीं करूँगा, ज़्यादातर बच ही जाऊँगा, बनना तो मैंने वैसे ही है। और फिर दाढ़ी भी रख ली और हज भी किया और शहरी भी चेंज हो गई। उससे एक शेर आए,
तरके शराब से मैं तो और शराबी हो गया, तरके शराब से मैं तो और शराबी हो गया, वक्ते सहर मिल जाता है हर शब जाने शराब। यानी आज तहज्जुद के टाइम पे जब मैं उठता हूँ ना, अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो वो जो नशा है ना मिल जाता है मुझे, वो उसने मुझे पहले से ज़्यादा शराबी कर दिया। मौलाना रूमी बहुत बड़े अल्लाह वाले सफर के लाइन के, पहले मौलाना थे कोई नहीं जानता था, एक हौज के किनारे अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, आलम थे, मुफ्ती थे, मौजस थे,